Hi, welcome to my channel. इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, subtract. फर्स्ट पार्ट आपका है कि subtract -5xy from 12xy. देखिए subtraction में आपको बस ध्यान ये रखना पड़ता है कि किसमें से किसको माइनस करना है. यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस करना है इसको. ओके, ये आपको बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा. तो यहाँ पर जब आपको सॉल्व करेंगे जवाब आपका हो जाएगा 12xy में से माइनस करना है, मींस माइनस -5xy. ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 12xy प्लस 5xy मींस आप यहां पर ऐड कर देंगे दोनों को तो मिल जाएगा आपको 17xy. दिस इज योर आंसर. इसमें सबट्रैक्ट करना है 2a स्क्वायर फ्रॉम -7a स्क्वायर, मतलब कि इसमें से माइनस करना है इसको. आप सबसे पहले इसको रखेंगे, सो सॉल्यूशन में आप पहले रखेंगे -7a स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे 2a स्क्वायर. ठीक है, तो दोनों नेगेटिव में हैं तो दोनों को हम सम कर देंगे और आपको मिलेगा 7 + 2 9, मीन्स -9a स्क्वायर. यह आपका हो गया आंसर. सेकेंड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट. 2a-b फ्रॉम 3a-5b. तो पहले आप इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले आप लिख लीजिए 3a-5b माइनस, माइनस करेंगे इस पूरे को. जब माइनस के आगे जो भी लिखते हैं तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसको. ठीक है, पहले वाले को ब्रैकेट में ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम माइनस के बाद लिखते हैं कोई भी टर्म, और ये दो टर्म्स होते हैं मोर देन टू टर्म्स, तो हम हमेशा लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 2a-b, ताकि हमें साइन में कोई प्रॉब्लम ना हो. अब यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a-5b, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2a, प्लस हो जाएगा. देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा +b. अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. देखिए 3a आपका है, 2a है, तो 3a में से 2a को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस यहाँ साइन है. So, आपको मिल जाएगा a और -5b एंड +b -4 और b एज इट इज उतर जाएगा और ये आपका आंसर होगा a-4b. चलिए फोर्थ सॉल्व करते हैं. यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है 2x³ - 4x² + 3x + 5 फ्रॉम 4x³ + x² + x + 6. सबसे पहले आप इस टर्म को लिख लेंगे, इसमें से माइनस करना है इस वाले टर्म को, तो इसको बाद में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. ये ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा 2x³, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x², फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा -3x, और देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा -5. अब आप लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं पहले. ओके, तो हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया है, 4x³ एंड 2x³ -2x³ प्लस x² एंड 4x² एंड यहाँ पर है x प्लस x एंड -3x, फिर 6 एंड -5. 4x³ -2x³ आपको मिल जाएगा 2x³ प्लस x² प्लस 4x² इज 5x², x माइनस 3x इज -2x प्लस 1. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 2/3y³ - 2/7y² - 5 फ्रॉम 1/3y³ + 5/7y² + y-2. तो फ्रॉम इसमें से आपको माइनस करना है इसको, सो आप पहले इसको लिखेंगे. अब इसको हमने लिख लिया है, यहाँ पे माइनस करना है इसको, सो माइनस लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स को लिखेंगे क्योंकि मोर देन वन टर्म्स है यहाँ पर 2/3. अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करते समय माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3y³ हो जाएगा ये, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/7y², फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5. अब लाइक टर्म्स हम एक साथ लिख देंगे जो भी लाइक टर्म्स होंगे. ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, देखिए 1/3y³ - 2/3y³ आपका यहाँ है, फिर प्लस 5/7y² एंड प्लस 2/7y² प्लस वाई. वाई का कोई सिमिलर टर्म नहीं है, सो वाई को अकेले रख देंगे वैसे ही, -2 - 2 प्लस 5. अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 3 ही आपका एलसीएम आएगा,
तो आपको मिलेगा यहां पर वाई क्यूब मीन्स वन वाई क्यूब माइनस थ्री डिवाइड करेंगे वही वन आएगा तो टू वाई क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस यहां पर भी एलसीएम ले लेंगे तो आपका सेवन मिलेगा सेवन से डिवाइड करेंगे वन ही आएगा फाइव वाई स्क्वायर प्लस सेवन से डिवाइड करेंगे वन ही आएगा और ये मिलेगा आपको टू वाई स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा ताकि पता चलेगा कि सेपरेटली आप क्या कर रहे हैं प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा आपको देखिए वाई क्यूब माइनस टू वाई क्यूब मीन्स माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फाइव दोनों को ऐड कर देंगे तो आप मिल जाएगा सेवन वाई स्क्वायर अपॉन सेवन सेवन वन जा सेवन सेवन वन जा सेवन आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं आपको मिलेगा केवल प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो आपको फाइनली मिल जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री वाई क्यूब और यहाँ मिल जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री सो दिस इज योर आंसर। नाउ द सिक्स्थ पार्ट सब्ट्रैक्ट 3 upon 2x minus 5 upon 4y minus 7 upon 2z from 2 by 3x plus 3 upon 2y minus 4 upon 3z. तो हमें इसमें से माइनस करना है इसको therefore इसको पहले लिखेंगे उसके बाद में इसको माइनस करते हुए सो हमारा मिलेगा 2 by 3z। अब यहां जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये पूरे सारे टर्म्स को अब यहां पर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2x ये हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 4y फिर देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7 अपॉन 2z। अब यहां पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे और सॉल्व करेंगे ओके तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया है अब यहाँ पर एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 ओके तो हमारा इतना आ जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे 4 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा 2 3 6 लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ब्रैकेट में जब हम लेंगे इसको तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा ठीक है ये ध्यान रखिएगा और दोनों का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 6 3 2 जा 6 2 4 जा 8 8 जेड और जब हम माइनस कॉमन लिए थे इन दोनों में से तो यहाँ पे माइनस आएगा फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21 जेड। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे सेपरेटली 4x माइनस 9x आपका आ जाएगा माइनस 5x अपॉन 6 प्लस 6y प्लस 5y 11y अपॉन 4 फिर यहाँ पे देखिए माइनस 8z में से यदि माइनस करेंगे 21z माइनस 13z अपॉन 6 देखिए माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख देते हैं सो आपका आंसर आ गया दिस वन। सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर y माइनस 4 अपॉन 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई 3 एक्स वाई फ्रॉम 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 बाई 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स वाई तो हमें इसमें से सेपरेट करना है इसको देयरफॉर पहले हम इसको लिखेंगे ओके तो हमने माइनस कर लिया है यहाँ ब्रैकेट में लगा देंगे बिल्कुल ब्रैकेट में आपको नेक्स्ट वाला टर्म लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यदि आप ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे तो आपका साइन से मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर फिर ये देखिए माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन 3 एक्स वाई। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे तो हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया है तो अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 प्लस 8 हो जाएगा 23 एक्स वाई स्क्वायर होल अपॉन 10 फिर माइनस हो जाएगा ये 5 अपॉन 3 एक्स वाई सो दिस इज योर आंसर। ए बी अपॉन 7 माइनस 35 अपॉन 3 बी सी प्लस 6 अपॉन 5 ए सी फ्रॉम 3 बाई 5 बी सी माइनस 4 अपॉन 5 ए सी सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में लेकर के माइनस करेंगे ओके अब यहाँ पर हमने ऐसा लिख लिया है दिस मच ये पहले लिखेंगे उसके बाद माइनस करेंगे क्योंकि सेपरेट करना आपको है तो ये दूसरा टर्म लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ठीक है हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेगा और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पर ओपन कर लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले टर्म में तो मैं मिल जाएगा माइनस ए बी अपान सेवन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 35 अपान 3 बी सी फिर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा और 6 अपान 5 ए सी अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सिमिलर टर्म्स को मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे ओके तो हमने यहाँ पर कर लिया है ये देखिए 3 अपन 5 बी सी 35 अपन 3 बी सी यहाँ पर माइनस 4 बाई 5 ए सी एंड
माइनस सिक्स अपॉन फाइव ए सी, और ये जो ए बी अपॉन सेवन है वो तो सेपरेट ही रहेगा क्योंकि इसका कोई लैग टर्म नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं 15, यहाँ देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन यदि कर लेंगे हम तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि बीच में प्लस है यहाँ पर। फिर हम 5 एलसीएम यदि लेते हैं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4 ए सी प्लस यहाँ कर देंगे 6 ए सी। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा मतलब कि माइनस को माइनस हमने कॉमन कर लिया है, ठीक है, इसलिए ऐसा यहाँ पर प्लस आ गया और माइनस ये हो जाएगा ए बी अपन 7। अब यहाँ पर हम सम कर लेंगे, देखिए 9 बी सी प्लस 175 बी सी कितना हो जाएगा 184 बी सी अपन 15 आपका ये होगा, माइनस यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 10 ए सी अपन 5 माइनस ए बी अपन 7। यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 × 5, 5 × 10, सो फाइनली आपका जो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि टर्म्स इधर उधर रहते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि माइनस टू ए सी को आप पहले लिख दें और 184 बी सी अपन 15 को बाद में लिखें तो वही सेम आंसर ही माना जाएगा, बस साइन आपको ध्यान रखना है कि हर ईच टर्म का जो साइन है वो एग्जैक्टली वही रहना चाहिए जो एक्चुअली है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चंस। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप, यदि कोई डाउट नहीं भी है तब भी आप लिखेंगे कुछ मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।